मैं थूकती हूँ तुम्हारे बेटे पर। मेरी बेटी को कोई रिश्तों की कमी नहीं है, वो तो मैंने रिश्तेदारी निभाई है, वरना मेरी बेटी के लिए तो एक से एक अच्छे घर का और अमीर घर का रिश्ता आ रहा था। बता देना अपने बेटे को, मैं आइंदा उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। और तुम रोमाना याद रखना, इस बात को मैं भूलूंगी नहीं। कुछ चाहिए बेटा? बात करने आपसे। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है, क्या परेशानी है? नहीं तो, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, क्यों पूछ रहे हो तुम? क्योंकि ऐसा ही है, आप ठीक नहीं है। आपके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपकी बेटे की मंगनी हुई है आज। क्या हुआ है, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम जाओ जाके आराम कर। तनी क्यों मैं, लेकिन जब तक खाला जान ने दरिया के लिए बात नहीं की थी, तब तो आप रिश्ते से बहुत खुश थे, सारा को अपनी बहू बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और अब? और आपा, तुम्हें क्या लग रहा है बेटा, ये जो आनन फानन मंगनी करा दी गई है, इससे आपा खुश है? नहीं बेटा, तुम नहीं समझ रहे हो, ये आपा का अंदाज है अपने गुस्से का इजहार करने का। मैं खुदा ना खास्ता तुम्हारी या सारा की मंगनी की वजह से परेशान नहीं हूं, मुझे तो बार बार बस आपा का ख्याल आ रहा है। कितना मूड ऑफ था उनका, सख्त नाराज है वो मुझसे। तो खाला जान का मूड आपको आपके बेटे की खुशी से ज्यादा अजीज है क्या? नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे अपने बेटे से ज्यादा कुछ अहम हो सकता है? हाँ, लेकिन बेटा आपने सारी जिंदगी हमारा बड़ा ख्याल रखा है, बड़े एहसानात है उनके हम पे। यही मौका था कि मैं बदला चुका देती, जो नहीं चुका पाई। कभी कभी दिल चाहता है बेटा कि जिसने सारी जिंदगी आपके लिए हाथ बढ़ा के रखा हो, उसकी खुशी उसकी ख्वाहिश के लिए आप भी कुछ कर पाए। आपा मुझे एहसान फरामोश समझ रही होंगे, बस यही बात परेशान कर रही है मुझे। अम्मी, बहन भाइयों में बदला नहीं होता, बिलावजह परेशान हो रही हैं आप, ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ, वक्ती तौर पे खाला को बुरा लगा होगा, लेकिन वो दिल की साफ हैं, मुझे यकीन है वो दिल में कोई बात नहीं रखेंगी। अम्मी बस अब खुश हो जाए ना यार, आपकी बेटी की मंगनी हुई है उसकी पसंद से, और अगर खाला जाने के लिए कुछ करना चाहती हैं आप तो रिया के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लें, धूमधाम से शादी करेंगे उसकी, किसी किस्म की कमी नहीं होने देंगे। अपने बेटे पे भरोसा करें, तो खाला जान के एहसान आते ना आप पे, आपका बेटा सूद समेत लौटाएगा उन्हें। सब खुश रहा करें, आपकी खुशी मुझे खुद से ज्यादा अजीज है। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। चलो मैं ठीक हूं, जाओ जाके आराम करो, काफी रात हो गई। हाँ तो कह दो, वो फूल भी तुमने नहीं रखवाए थे उसके टेबल पर? बोल दो कि ये भी मेरी अजम्पशन है, तुम्हारी लैंग्वेज में बकवास कर रही हूँ मैं। नहीं यार, मैं मानता हूँ कि वो फूल मैंने ही रखवाए थे, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे,
लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसके पीछे धूम हिला रहा हूँ, वो इसलिए कि उसकी गलत फहमी दूर हो। तुम्हें उसकी गलत फहमी दूर करने की क्या जरूरत है? सरफराज, देखो मुझे यकीन दिलाओ इस बात का कि मुझे इस हवाले से गलत फहमी हुई है। अपनी पोजीशन क्लियर रखो मेरे सामने। तुम्हारा क्या ताल्लुक है उस तोटके की लड़की के साथ? शीना, तुम गलत सोच रही हो। मैं सोच और समझ रही हूँ, शुक्र करो इस बात का, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तुम जानते हो मैं क्या हश्र करूंगी इस लड़की का। कम ऑन, फिर वो ही लड़की, कोई और बात करो। ओके, तो बताओ कब कर रही हो शादी, कब बता रही हो अपनी बीवी को? डार्लिंग, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिलीव मी। बस तुम अपना मूड ठीक रखो। हम कहीं बाहर चलते हैं? बाहर ये क्या हो रहा है? बुलाओ इसे अंदर, इसको अंदर बुलाओ अभी। May I come in, ma'am? Yes. क्या चाहती हो तुम? मतलब? मैंने तुमसे कोई फारसी में बात नहीं की है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, that what do you want exactly? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे और सरफराज के? मैम आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, तो ये घटिया औरतों की तरह दरवाजों से कान लगाकर क्या सुन रही थी तुम? क्या जानना चाहती थी? हाँ मैम, आपने मीटिंग की कॉल की थी तो मैं मीटिंग के लिए आई थी, बस इत्तेफाक से, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ? आप तमीज से बात कर रही हैं? तो मुझसे मुकाबला कर रही हो? मुझसे? बहुत बड़ी गलती करोगी मिस सारा, ये मत करना, बहुत पछताओगी वरना। मैम मेरा किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं, मैं तो यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या समझना और क्या नहीं, अपने काम से काम रखो। आइंदा मैं तुम्हें सरफराज के आसपास मंडराता ना देखो, यू बेटर अंडरस्टैंड। मैम ये बात आप सरफराज साहब को समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, और जितनी आपको तकलीफ हो रही है उससे कहीं ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है। मैम मैं अच्छे घराने की, इज्जतदार घराने की लड़की हूँ, आप मुझे लेके इत्मीनान रखें। मुझे पता है काम की जगह और उन जगहों पे ऐसी हरकतें नहीं होती। मैं बहुत देखें तुम जैसी इज्जतदार घरानों की शरीफ लड़कियां, इस ढोंग से तुम जिसको चाहो बेवकूफ बना सकती हो, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, लेकिन मुझे नहीं मिस सारा, आखिरी बार समझा रही हूँ तुम्हें। मैम आप ये किस तरह बात कर रही हैं मुझसे? आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती, और ये लहजा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।